नमस्कार, मैं रामचंद्र प्रसाद सोनी, व्याख्याता, पदस्थ विद्यालय शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय बसदेई। मैं निष्ठा 2.0 जो कि दीक्षा ऐप पर यह कार्यक्रम आया उसके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने डीएड और बीएड दोनों रेगुलर किया है और मन पूरा भरा भरा लगता था, अपने आप में एक प्रकार का ताकत लगता था। इसका इम्प्लीमेंट करने के बाद बच्चों के बीच बहुत सारे सकारात्मक परिणाम आए। जिस वर्ष ये पाठ्यक्रम किया तो अच्छा परिणाम आया, अच्छा रिजल्ट आया, बीते वर्ष से ज़्यादा अच्छा है। और ये कार्यक्रम जब आया उस समय पेंडेमिक काल चल रहा था, समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति आगे होने वाली है। और जब ये कार्यक्रम आया तो शुरू में तो बोझिल लगा, लेकिन जैसे जैसे इसमें डूबते गए तो ये पता चला कि जीवन में बहुत सारी कमियां रह गई थी। हमको ये जो लगता था कि मैं बहुत कुछ जान गया हूँ शिक्षा से संबंधित, तो वो समझ में आया कि मैं तो बहुत कुछ नहीं जानता था। निष्ठा ऐप में सारी चीज़ों को कवर किया गया था, इसका पाठ्यक्रम इतना अच्छा बनाया गया था कि पहले डिटेल में समझाना और फिर उससे संबंधित प्रश्न करना, तो ये एक प्रकार से रिकॉल हो जाता था, पुनरावृत्ति हो जाती थी। तो मन में जैसे अवचेतन में बैठ गया कि हम कार्य करने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद व्यवस्थित होती जाती हैं और अच्छी होती जाती हैं। इसका जो पाठ्यक्रम था इतना बढ़िया था कि जिसको हमने डीएड और बीएड में पढ़ा तो था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी और थोड़ा सा लगता था कि ये एमएड लेवल का पाठ्यक्रम है, परंतु बहुत अच्छा लग रहा था। उसके माध्यम से हम विषय वस्तु को रुचिकर बना पाए, विद्यालय नेतृत्व को भी बढ़िया कर पाए और इसका सकारात्मक परिणाम भी आया। इसमें सारी चीज़ों को कवर किया गया था, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय नेतृत्व, शिक्षकों का व्यवहार, बाल मनोविज्ञान, बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण, आपका मूल्यांकन, सारी चीज़ों को कवर किया गया था। और इतनी गूढ़ बातें बताई गई थी कि लगता था कि बहुत सारी कमियां थीं जीवन में जो अब पूरी हो रही हैं। मैं उस समय इन चीज़ों को हम लोग ने किया जब पेंडेमिक चल रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि शिक्षा व्यवस्था का आगे क्या होना है, उस खाली जगह को इतना अच्छा प्रशिक्षण दे करके भरा गया, बहुत सारी कमियां दूर हुई और बहुत सी चीज़ें हमको सीखने की मिली। बस एक चीज़ ये था कि बहुत सारे वर्क जो फील्ड में जाकर करना है, जो प्रायोगिक रूप से करना था, वो नहीं हो पाया और शायद ये पेंडेमिक काल के कारण ऐसा हुआ, पाठ्यक्रम में जानबूझकर रखा गया या न रखा गया। लेकिन आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैं सारी टीम